बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्में जहां बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करती हैं, वहीं वो सोशल वर्क करने के लिए भी लगातार चर्चा में रहते हैं। सलमान ने सोशल वर्क के लिए साल 2007 में एनजीओ बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन की स्थापना की, लेकिन अब उनके इस एनजीओ पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल सलमान की एनजीओ बीइंग ह्यूमन बीएमसी के निशाने पर है और एनजीओ को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। बीइंग ह्यूमन पर आरोप है कि उसने बीएमसी के साथ वादा खिलाफी की है, जिसके बाद बीएमसी ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन को बांद्रा इलाके में डायलिसिस यूनिट लगाने थे, जिससे गरीबों को सस्ते इलाज की सुविधा मिले, लेकिन एनजीओ ने इन यूनिट्स को नहीं लगाया। बीएमसी के अस्पतालों में डायलिसिस कराने का खर्च 350 रूपए आता है। इसको कम करने के लिए बीएमसी ने दूसरे एनजीओ से भी सेवा लेने का टेंडर निकाला था, जिसमें बीइंग ह्यूमन ने भी आवेदन किया था। सलमान के फाउंडेशन ने डायलिसिस की लागत 339.25 रूपए ऑफर की थी, लेकिन वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाई।